हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि बैकग्राउंड को ब्लर कैसे करना है, बिल्कुल DSLR के जैसा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। ये देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्लर, ठीक है, जो कि बिल्कुल Full HD में है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आई होप आप लोग को तभी समझ में आएगा। अगर वीडियो को स्किप कर देते हो तो बिल्कुल आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आई होप आप लोग को तभी समझ में आएगा कैसे मैंने ब्लर किया बैकग्राउंड को। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा देख सकते हो। तो ना कि PicsArt का मैंने यूज़ किया है, ना ही स्नैपसीड का यूज़ किया है। आप लोग को मैं बता देता हूँ उस ऐप का नाम क्या है। उस ऐप का नाम है After Focus, जो कि प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को फ़ोटो को शेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है और इधर करना है, ठीक है। तो After Focus ये ऐप है, ठीक है, इस पर शेयर करना है अपने फ़ोटो को, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप लोग को जो ऊपर वाला आइकॉन दिख रहे हैं इस पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा तो आप लोग को जूम कर लेना फ़ोटो को, ठीक है। और अपने फ़ोटो के साइड पर इस तरह के कुछ दाग दे लेना है, ठीक है, जो कि हमारा बैकग्राउंड ब्लर होने वाला है, बिल्कुल काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो चलो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गाइस, हो जाने के बाद आप लोग को थोड़ा इधर भी मेरा बाकी रह गया, तो इधर मैं पूरा कर लेता हूँ। आप लोग को अच्छे से कर लेना है, ठीक है, आराम से, जो कि मैंने आप लोगों को सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है, आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग को पूरा अच्छा से कर लेना है, ठीक है। देन पूरा हो जाने के बाद आप लोग को ये देख सकते हो यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, ठीक है। देन आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बैकग्राउंड पे एक बार चीज देना है, ठीक है। देन अगर कहीं पे आप लोग को बाकी रह गया है तो आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पे भी बाकी रह गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को भी कर लेना है, ठीक है। फिर थोड़ा इधर से छूट गया तो चलो मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ एडजस्ट, ठीक है। आप लोग को भी आराम आराम से करना है अच्छे से। तो मेरा इधर भी रह गया तो मैं इसको भी पूरा कर लेता हूँ, ठीक है। देन आप लोग को भी आराम आराम से करना है, ठीक है, बिल्कुल काफ़ी अच्छा ब्लर होने वाला है। देन आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ बाकी रह गया, इधर छूट गया, तो आप लोग को ऐसे करके पूरा कर लेना, ठीक है। देन पूरा हो जाने के बाद जो कि काफ़ी अच्छा हो चुका हमारा, अब आप लोग को यहाँ करना नेक्स्ट पे क्लिक, ठीक है। देन ये देख सकते हो बूम ब्लर हो चुका है हमारा, ठीक है। तो ना आप लोग को यहाँ ब्लर वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। देन इस वाले जो दिख रहे हैं इसको पूरा 100 कर लेना है, ठीक है, पूरा, जो देख सकते हो बिल्कुल काफ़ी अच्छा ब्लर हो चुका है हमारा पूरा बैकग्राउंड, ये देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाने के बाद आप लोग को फ़ोटो को सेव करना है, ठीक है। तो सेव वाले आइकन पर क्लिक करना है, देन आप लोग को यहाँ पर यस कर देना है, ठीक है। यस कर देने के बाद फ़ोटो ऑलरेडी गैलरी पे सेव हो जाएगा, ठीक है, 2 स्टेप, ठीक है। देन आप लोग को इस फ़ोटो को अब शेयर करना है, ठीक है। कहाँ पे शेयर करना है, थोड़ा ग्रीन डालना है, ठीक है। तो शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर आप लोग को Lightroom पे शेयर करना है। Lightroom का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग भी वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो फ़ोटो को Lightroom पे शेयर करने के बाद आप लोग को Lightroom को ओपन करना है, ठीक है। तो मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अपने फ़ोटो को निकाल लेना है, ठीक है। तो चलो मैं अपने फ़ोटो को निकाल लिया। देन आप लोग को इधर करना है, सबसे पहले आप लोग को इस कलर वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, ठीक है। देन आप लोग को मिक्स पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। देन आप लोग को सबसे पहले ग्रीन वाले आइकॉन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा, इसको 100 पे कर देना है, ठीक है। इसको भी थोड़ा कुछ बढ़ा लेना है, ठीक है। देन आप लोग को ये इसको भी 100 कर लेना है।
चलो मैं अच्छे से कलर को एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को भी कर लेना, थोड़ा फेस का कलर कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ हमारा लिप्स का है, ठीक है। चलो मैं लिप्स का कलर कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा। तो आप लोगों को भी कर लेना आराम से। देन थोड़ा ब्लू टोन को भी डाल लेते हैं अपने, ताकि फ़ोटो हमारा बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगे। अच्छा, तो ब्लू टोन भी डाल लेना है, ठीक है अपने। तो आप लोग को अब यहाँ कर देना है डन। डन करने के बाद आप लोग को ये देख सकते हो बिफोर आफ्टर, ये रहा हमारा बिफोर आफ्टर। अब आप लोगों को यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना, ठीक है। मैंने आप लोग को थोड़ा इसको बढ़ा देना, क्लैरिटी है क्या है, हाँ क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। देन आप लोग को थोड़ा इसको भी कम कर देना है। ये हो जाने के बाद अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। देन आप लोग को यहाँ पे लाइट्स पे आना है, ठीक है। लाइट्स पे आने के बाद थोड़ा सा जो ब्लैक दिख रहा है हमारे, उस ब्लैक को हटाना है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैक को कम करते हैं, ठीक है। वाइट को भी थोड़ा कम करते हैं, शेडो को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। देन आप लोगों को इसको भी थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है, कंट्रास्ट को। तो यहाँ पर पूरा हो चुका है हमारा, ठीक है। देन आप लोग को यहाँ से बैक आ जाना है, ठीक है। ये देख सकते हो बिफोर आफ्टर फोटो बिल्कुल काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्रीन बैकग्राउंड जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग को सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। देन आप लोग को यहाँ पे सेव टू डिवाइस यहाँ पे क्लिक करना है, फ़ोटो को सेव कर लेना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। मैं इसी तरह एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आप लोगों को फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।